हेलो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो एक ऐसे हरी पत्तेदार सब्जी के ऊपर पे है जो कि बरसात में होती है। बरसात में आप देखेंगे जो हरी पत्तेदार सब्जी है वो महंगी हो जाती है, और अगर आप घर पे पालक लगाते हैं, लाल साग लगाते हैं, तो वो पानी कंटिन्यू गिरने के कारण, बारिश के कारण क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो आज हम ऐसी हरे पत्तेदार सब्जी, ऐसी साग की बात करेंगे जिसको आप बरसात में लगा सकते हैं। इसका जो सीजन जो होता है वो गर्मियों से लेके बरसात तक का होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पत्तों के साथ हम इसके तने को अभी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम जो जिस एरिया में मैं रहता हूँ उस लोकल एरिया में इसे खेड़ा भाजी कहते हैं। तो अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, लगाने जा रहा हूँ। तो इस ये इनके बीज हैं जो मार्केट से मैं लेकर आया हूँ। अब इसे आप कैसे अपने गमले में लगा सकते हैं इसको मैं आपको आगे करके दिखाऊँगा। इसी की तरह जो अन्य सब्जियाँ हैं और फूल जो है अलग अलग वैरायटीज़ के, उसको आप कैसे लगा सकते हैं, इसके लिए, इसे जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी ऐसी हर प्रकार की सब्जियों के ऊपर वीडियो मिल जाएगी। सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा लें ताकि सब्जियों के अपडेट्स हैं और जो उसके लिए आपको ऑर्गेनिक कीटनाशक कैसे यूज़ करना है, कौन से खाद यूज़ करने हैं, उसके बारे में आपको अपडेट मिलता रहेगा, आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं इस खेड़ा भाजी के साग के बीज को आपको कैसे अपने गमले में डालना है, कैसे इसे ग्रो कर सकते हैं। अब हमने क्या किया है, एक बाथरूम का टूटा हुआ टब का यूज़ हम इस भाजी को लगाने के लिए कर रहे हैं। मिट्टी हमने पहले से तैयार कर ली है, दो दिन पहले से मिट्टी तैयार करके हमने क्या किया है, इस पॉट पे, इस टब पे, बाथरूम का एक टब है टूटा हुआ, उस पर हमने क्या किया है, मिट्टी तैयार कर लिया है। अब हम जो अपनी जो बीज हैं, भाजी के जो बीज हैं, इसको हल्के हल्के हाथों से ऊपर से ऐसा फैलाते जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा बीज आपको घने नहीं करने हैं, घने करेंगे तो पौधे जो निकलेंगे वो आपस में सट कर पानी के कारण या ओस के कारण ख़राब हो सकते हैं, इसलिए दूरी दूरी पर आप इसके बीज को छिड़काव करते जाएँ। अब क्या करें, आप खुरपी की मदद से आप बिल्कुल हल्के हाथों से हल्का 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 कोड़ा करते जाएं। इससे होता क्या है कि मिट्टी जो है वो खिसकती है, तो हमारे बीज जो है अंदर चले जाते हैं और मिट्टी में ढक जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको आपको ज़्यादा ताकत लगाकर नहीं करना है। ज़्यादा गहराई में अगर बीज गए तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, बीज का साइज़ छोटा होने की वजह से वो उतना ज़्यादा पावर नहीं लगा पाते हैं ताकि ज़्यादा गहराई से ऊपर आ सकें। तो आपको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से जो है इसमें कोड़ा लगाना है। अब कोड़ा लगाने के बाद पे आपको इस पे वाटरिंग करना है। वाटरिंग करने के लिए ध्यान रखिएगा कि पाइप वगैरह से आपको वाटरिंग नहीं करना है। पाइप से वाटरिंग करते हैं तो मिट्टी जो है उस जगह से हट जाती है और बीज आपके बाहर आ सकते हैं। तो सबसे बढ़िया मेथड है, मग से पानी लीजिए और उस पानी को पहले अपने हाथ के ऊपर पे डालिए और चारों तरफ आप छिड़कते जाइए। इससे क्या है, वाटर प्रेशर जो है आपके हाथ पे पड़ता है, ना कि आपके सॉइल के ऊपर पे, और हमारा जो सॉइल है पॉट में वो पूरी तरीके से आपका भींग भी जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर लिखें। आपकी अगर कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो बिल्कुल पूछिए। और 4-5 दिनों के बाद जब ये जर्मिनेट हो जाएंगे तो इसके लिए मैं वीडियो आपको अपडेट करूँगा। और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल पर जाकर देख सकते हैं आप। अलग अलग सब्जियों की और अलग अलग फूलों के बारे में मैंने वीडियो बनाकर रखा हुआ है। सारी चीज़ें जो है छत पर लगाया है मैंने। वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।